आज हम वित्तीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकाल की 5th यूनिट में निर्धारित रस विषय पर चर्चा करेंगे। रस को समझने से पहले रस का परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना गया है। प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता था। रस के कारण कविता के पठन, श्रवण और नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद की प्राप्ति होती थी। साहित्य शास्त्र में भी रस का अभिप्राय आनंद से है। आनंद लौकिक और अलौकिक होता है, जिसमें अलौकिक आनंद को ब्रह्म स्वाद कहा गया है। काव्यानंद आत्मानुभूत होने के कारण अलौकिक ब्रह्मास्वाद है। ब्रह्मानंद सहोदर है, अतः काव्य को पढ़ने सुनने से सामाजिक अर्थात श्रोता, पाठक, दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही साहित्य शास्त्र में काव्यानंद या रस कहा जाता है। रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रस सूत्र के रूप में हमें प्राप्त होता है, और ये सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात सहृदयों के हृदय में संस्कार रूप में स्थित स्थाई भाव के साथ जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं तब रस की निष्पत्ति होती है। साहित्य शास्त्र में रस को काव्यात्मा सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने ही घोषित किया। हिंदी आचार्यों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य में रस की अनिवार्यता स्वीकार करके उसे काव्यात्मा घोषित किया है। रस के भेद या प्रकार। भारतीय काव्य शास्त्र में नवरस माने गए हैं। ये नवरस हैं श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत एवं शांत रस। कतिपय विद्वानों ने वात्सल्य एवं भक्ति को भी रस माना है, किंतु इन दोनों भावों का समावेश श्रृंगार रस की व्यापक स्थली में ही हो जाता है, अतः साहित्य में नवरस ही मान्य है। अब हम बात करते हैं रस के अंगों की या रसावयव की। साहित्य शास्त्र में रसावयवों की संख्या 4 मानी गई है। ये 4 रस के अंग हैं भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। रसावयवों से पूर्व भाव को समझना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भावों से ही स्थाई भाव है और स्थाई भाव से ही विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव।